वर्ष 2023 में G20 देशों की अध्यक्षता कर रहा भारत देश के कई शहरों में समिट का आयोजन कर रहा है। इसी क्रम में जनपद वाराणसी में Y20 का आयोजन गत दिनों हुआ। रुद्राक्ष इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर सिगरा में G20 के तहत आयोजित Youth20 समिट का उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दीप प्रज्वलित कर किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जब मैं युवा साथियों के बारे में सोचता हूं, तो कहीं से लगता है कि युवाओं की प्रतिभा पर प्रश्न खड़ा करने का प्रयास किया जाता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री व वाराणसी के सांसद नरेंद्र मोदी का आभारी हूं, जिन्होंने G20 समिट से जुड़े कई समिट के आयोजन का अवसर यूपी को दिया। इसमें G20 मुख्य समिट वाराणसी में आयोजित हो रहा है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और वाराणसी के लोकप्रिय सांसद आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने G20 से संबंधित कई समिट के आयोजन का अवसर उत्तर प्रदेश को दिया और उसमें Y20 का यह मुख्य समिट वाराणसी में आयोजित हो रहा है, मैं इसके लिए उनका उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। हम सब जानते हैं कि वाराणसी बाबा विश्वनाथ का पावन धाम है। प्राचीन काल से ही धर्म और अध्यात्म की नगरी होने के साथ ही भारत की अध्यात्म, दर्शन, शिक्षा, साहित्य और कला की भूमि के रूप में भी यह प्राचीन नगरी जानी जाती रही है। यह हमारा सौभाग्य है कि वाराणसी उत्तर प्रदेश के एक प्रमुख महानगरी होने का सौभाग्य प्राप्त करती है। इसने न केवल उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक परंपरा को बल्कि कला, संगीत और शिक्षा की एक प्रमुख नगरी के रूप में भी वाराणसी और उत्तर प्रदेश के अन्य अनेक नगरों को यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि वह भारत की हृदय स्थल के रूप में अपनी एक पहचान बनाने में सफल हुए हैं। Youth20 के उद्घाटन के अवसर पर केंद्रीय सूचना प्रसारण, खेल व युवा कल्याण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का स्वागत किया। इसके साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पिछले 9 वर्षों में किए गए कार्यों का जिक्र करते हुए अमृतकाल की बात कही तथा उन्होंने कहा कि दुनिया में सबसे बड़ी युवा शक्ति भारत में मौजूद है। वाराणसी जहाँ एक और भारत और दुनिया के सबसे पुराने शहरों में से एक है, यहाँ का साहित्य, यहाँ की परंपराएं, यहाँ की जो मिट्टी से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, यहीं पर जहाँ पर नरेंद्र मोदी जी ने वाराणसी को एक नया रूप देने का काम किया है, वहीं G20 की अध्यक्षता भी इस बार भारत को करने का अवसर मिला और उसके अंतर्गत Y20 का आयोजन
कि मुख्य समिट आज बनारस में हो रही है और मैं एक उत्साह देख रहा हूँ दुनिया भर के जो यहाँ पे प्रतिनिधि इन Y20 के देशों से आए हैं, वो अपनी युवा सोच के साथ, समस्याओं के समाधान के साथ, वर्तमान और भविष्य के लिए अपना योगदान देने के लिए आए हैं। और जिन 5 थीम्स के ऊपर यहाँ पे बात की गई, वहाँ पे बहुत सारे सुझाव जहाँ एक और ग्रुप डिस्कशंस में और डेलिब्रेशंस में यहाँ सुनने को मिल रहे हैं, लेकिन इससे पहले देशभर में हमने हज़ारों स्थानों पर Y20 की कंसल्टेशंस की, सेमिनार्स किए, स्कूलों से लेकर कॉलेजेस तक किए। ये दुनिया के किसी देश में नहीं हो पाया जो भारत में हुआ है। ये नरेंद्र मोदी जी की सोच है कि केवल गिने चुने लोगों तक G20 Y20 नहीं, इसको हम भारत की पहचान भी दुनिया को दिखाने की, आर्ट, कल्चर, लैंग्वेज, ट्रेडिशन सबको दिखाएं और साथ ही साथ यहाँ के लोग इन विषयों पे क्या सोचते हैं, तो जन भागीदारी से एक जन आंदोलन उस दिशा में भी इस पे काम किया है। Y20 इंडिया का समिट जो इस वक्त वाराणसी में हो रहा है, यह एक बहुत ही ज़्यादा भव्य तरीके से ऑर्गेनाइज किया गया है, जहां पे सभी यूथ 20 देश के डेलीगेट्स आए हुए हैं और अपनी अपनी राय Y20 के थीम्स पे रख रहे हैं। और एक बहुत ही अच्छा सा स्टेटमेंट आने वाला है जो आगे जितने भी कंट्रीज़ हैं, जितने भी देश के लीडर्स हैं, वो इन स्टेटमेंट्स को फॉलो करेंगे जब भी वो अपनी पॉलिसी बनाएंगे। तो एक तरीके से Y20 के जो समिट का आयोजन है, काफ़ी भव्य है, हो रहा है और काफ़ी सफलतापूर्वक आगे जा रहा है। और साथ ही साथ Y20 इंडिया का जो समिट है और जो पिछले हमारे 8 महीनों का सफ़र रहा है, यह पूरी दुनिया के सामने एक एग्जाम्पल है कि कैसे पार्टिसिपेशन को हम डेमोक्रेटाइज किए हैं, जिसमें हम हर गाँव, हर शहर से हर युवा को शामिल कर चुके हैं और U20 में पार्टिसिपेट करने के लिए और हमारे सभी प्रोग्राम्स और इवेंट में पार्टिसिपेट करके अपनी आवाज़ को जनता के सामने रखने के लिए। थैंक यू। मैं पहले तो माननीय प्रधानमंत्री का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने बनारस को भी चुना मेज़बानी करने के लिए G20 के लिए। अतिथि देव भव हमारी परंपरा है और बनारस आज उसमें भागीदार बना है, वो उसकी भी सौभाग्य की बात है। G20 का ऑलरेडी यहाँ 3 कार्यक्रम हो चुका है, ये Y20 युवाओं को लेते हुए किया गया है। 20 देशों के जो युवाओं हैं उनका मेज़बानी आज ये काशी कर रहा है, ये बड़ी सौभाग्य की बात है। और काशी में भी युवाओं की बड़ी संख्या रहती है और इस कार्यक्रम में बनारस के IIT प्रोफेसर जितने हो, BHU के स्टूडेंट हो, आसपास के कई कॉलेजेस हो, उनको भी एक अपॉर्चुनिटी मिल रहा है वर्ल्ड वाइड के युवाओं से इंटरेक्शन करने का कि क्या यहाँ पर नीतियाँ हो सकती है। उनको भी एक दर्जा मिला कि हम भी इंटरनेशनल फोरम में अपनी बात रख सकते हैं, लोगों से बात कर सकते, अपनी बातों को बता सकते हैं, अपने देश से, अपने प्रदेश के बारे में भी एक युवा भी उसको महत्व मिला और अपॉर्चुनिटी कि वो उनको समझा सकता है।